ग्वालियर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अब शिकायतकर्ता को ही धमका रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचा। शिकायतकर्ता नवीन सिंह ने कहा कि 2 साल पहले मनीष दीक्षित और दीपक तिवारी के खिलाफ शासकीय भूमि कब्जाने संबंधित आवेदन दिया था। यह जमीन वार्ड क्रमांक 65 के अंतर्गत आती है। इन लोगों ने शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द करके बेच दिया है। नवीन सिंह का आरोप है कि मनीष और दीपक ने उनके माँ को धमकाया, जिससे उनका निधन हो गया। इस बीच अब मनीष दीक्षित ने CSP को एक झूठा आवेदन दिया है, जिसमें 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक RS सागर का कहना है कि आवेदन की जांच कराई जा रही है और CSP के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर इस आवेदन का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। शिकायत ये शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था भैया 2 साल पहले, जिनके मैंने आवेदन भी दिए, जिसके मैंने आवेदन भी दिए ये SDM साहब, नगर निगम आयुक्त साहब और वन विभाग में, क्योंकि उन्होंने पेड़ों की भी कटाई की। लेकिन उन आवेदनों पर सुनवाई हुई तो, लेकिन ना के बराबर हुई सुनवाई, क्योंकि SDM साहब द्वारा RI को निर्देश दिए गए कि आप जमीन पर जाइए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण उन्होंने किया, लेकिन जो उन पर बाउंड्री वॉल जो किया गया था शासकीय भूमि पर, उसको हटाने के लिए उन्होंने बोला, तो इन्होंने मुझसे आश्वासन दिया कि ये हम बाउंड्री वॉल खुद हटा लेंगे। जिन्होंने अतिक्रमण किया था, मनीष दीक्षित, दीपक तिवारी, इन दोनों ने अतिक्रमण किया गया था। लेकिन अतिक्रमण किया गया था क्या है, जो भूमि थी बीच में वो थी ये जैन ट्रेवल्स के नाम से, जो भाभी जी रहती हैं कंपू के, उनकी जमीन थी, उसी के औचित में ये बगल का सर्वे नंबर और उन्होंने दुखा लिया गया। लेकिन उस पर जमीन पर अतिक्रमण किया, आज तक वो नहीं रुके, उस पर अभी प्लॉटिंग भी वर्तमान में चालू है। वो आवेदन जो है अभी हम लोग उसकी एक कमेटी बना के इसमें CSP इस तरह से हम लोग जाँच कराएंगे और उसका बेसंबंध हम लोग उसका निराकरण करेंगे।